नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। पूरे देश के अंदर अमीर से अमीर और गरीब से गरीब तबके तक पहुंचने वाली देश की एकमात्र कंपनी सहारा, जिसके ऊपर पूरे देश की जनता ने विश्वास किया। लेकिन आज की तारीख में जिस जनता ने सहारा पर विश्वास किया था, वे लोग बेसहारा होने के कगार पर है। न तो उनकी सरकार सुन रही है, न ही सहारा के मालिक सुब्रत राय। ऐसे में लोगों को अपनी पूंजी गंवाने का डर सताने लगा है। सतना शहर में भी सहारा के तमाम निवेशक और अभिकर्ता, एजेंट, विधायक, सांसद, एसपी, कलेक्टर सभी से मिल चुके हैं, लेकिन न तो निवेशकों को कोई राहत मिली और न ही एजेंटों को। अब देखना यह है कि प्रदेश से लेकर देश तक की सरकार सहारा के निवेशकों को कोई राहत दिला पाते हैं या नहीं। सेबी के तमाम उपाय करने के बाद भी निवेशकों का पैसा सहारा में फंसा हुआ है। किसी ने बेटी की शादी के लिए, तो किसी ने बुढ़ापे के सहारे के लिए अपनी मेहनत की कमाई जमा कर रखी थी। इस समूह की कंपनियों में देश के करोड़ों लोगों ने पैसा लगाया था। सुब्रत राय पर विश्वास करने वाले निवेशक आज खून के आंसू रो रहे हैं। निवेशकों को अभी तक अपनी गाढ़ी कमाई वापस नहीं मिल पा रही है। आज स्थिति यह है कि वे अपने जमा मूलधन तो ब्याज छोड़कर भी वापस नहीं पा रहे हैं। निवेशक अपनी जमा पूंजी वापस पाने के लिए भागदौड़ करने को मजबूर है। सहारा ने अलग अलग स्कीमें चलाई और दूसरों के मुकाबले ज्यादा ब्याज दिया, ज्यादा रिटर्न दिया, जिसके चलते तमाम लोगों ने सहारा में पैसा जमा किया। ये योजनाएं बहुत लचीली थीं। लोगों को एफडी पर 11 से 12 फीसदी सालाना रिटर्न देने का वादा किया था। इस योजना में कई सालों तक लोगों को रिटर्न भी मिला, जिससे सहारा के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ गया। लेकिन बाद में, जैसा कि प्रायः सभी कंपनियां करती हैं, उसी तरीके से सहारा ने भी किया। न लोगों को पैसा मिल रहा है, न रिटर्न। सहारा की स्कीम में निवेश करने वाले अब तक बहुत बुरी तरह से परेशान है। अभी तक निवेशकों को उनका पैसा नहीं मिल रहा। निवेशकों को उनकी जमा राशि क्यों नहीं मिल रही है, पेच कहां फंसा हुआ है, आइए हम आपको बताते हैं। तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक सहारा ने पिछले महीने एक विज्ञापन जारी किया था। इसमें सहारा ने कहा, हमें दौड़ने को कहा गया लेकिन हम बंद गए। सेबी निवेशकों को भुगतान क्यों नहीं कर रहा है, जबकि उनके पास हमारी 25,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। वहीं सेबी का कहना है कि दस्तावेजों में निवेशकों की जानकारी ट्रेस नहीं हो पा रही है, जिसके कारण वे भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। लोग अपनी गाढ़ी कमाई के लिए सहारा में चक्कर लगाने को मजबूर हैं। जिन एजेंटों की मदद से उन्होंने अपना पैसा जमा किया, उनका कुछ का तो पता नहीं चल रहा है, कुछ का पता चल रहा है तो वे भी कुछ सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। निवेशकों को यह नहीं पता होता है कि उनकी जमा पूंजी कब वापस मिलेगी। जो लोग पैसा जोड़ने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, उन्हें आज अपनी जमा पूंजी की चिंता सता रही है। लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें जिस सहारा कंपनी में पैसा जमा किया, आगे चल के वो उन्हें बेसहारा कर देगी या उन्हें इस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देश भर में बड़ी संख्या में लोगों ने सहारा कंपनी और योजनाओं में निवेश किया है। इस मामले में सेबी ने सहारा को जनता का पैसा 15% ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में सुब्रत राय को मामले में निवेशकों को 24,400 करोड़ लौटाने को कहा। उस वक्त सहारा निवेशकों का पैसा लौटाना या यह बताने का सबूत नहीं दे सका कि पैसा कहां से आया था। सहारा की इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के बैंक खातों को फ्रीज करने और उनकी संपत्तियों को सील करने के लिए कहा। साल 2009 में कंपनी ने आईपीओ लाने की योजना बनाई। सहारा ने सेबी से आईपीओ के बारे में पूछा तो सेबी ने डीआरएचपी यानी कंपनी का पूरा रिज्यूम दिखाने को कहा। सहारा ने दो कंपनियों का नाम दिया, सहारा इंडिया और रियल इस्टेट कारपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड। दस्तावेजों की जाँच के दौरान सेबी को शक हो गया और यहीं से पूरा मामला बिगड़ गया। सेबी ने सहारा के पास जमा करने वालों के दस्तावेज मांगे। सहारा ने 127 ट्रक भर करके दस्तावेज सेबी ऑफिस भेज दिए। सेबी ने जब इन दस्तावेजों की जांच की तो कई अनियमितताएं सामने आ गईं, जिसके बाद सेबी ने सहारा की नई ओएफसीडी जारी करने से
इनकार कर दिया। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।